This is Dr. Meenal Jain. Welcome to our my YouTube channel, which is Learn Rubrics in Our Mother Tongue. इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही कॉमन ऐसा रूब्रिक लेकर आई हूँ जो कि है थियोराइजिंग, है ना। सबसे पहले थियोराइजिंग का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे। थियोराइजिंग का डिक्शनरी मीनिंग है कि सिद्ध करना, है ना। थियोराइजिंग यह वर्ड थियोरी से ओरिजिनेटेड है ना। सिंपल सा सोचिए कि थियोरी ये वर्ड हम कहाँ सुनते हैं, हमने कहाँ पढ़ा है। तो देखिए, तो ये थियोरी जो ये वर्ड है, हमने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग अपनी अपनी थियोरी रखते हैं, उस थियोरी को प्रूव करते हैं। प्रूव होने के बाद में वो एक थ्योरम में तब्दील होती है ना। ये तो हो गया थियोरी। थियोरी क्या होती है? थियोरी में क्या करता है ना व्यक्ति एक अपना कंक्लूजन रखता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के उसको ऐसा ऐसा हुआ है करके, है ना। ये अपने सामने वो ऐसा प्रेजेंट करता है, एक कंक्लूजन उसका रखता है, वो रहता है थियोराइजिंग। अभी थियोराइजिंग ये जो रूब्रिक है ये माइंड सेक्शन में पड़ा हुआ है और इसके अंडर नियर अबाउट 42 रेमेडीज है ना। अभी ये तो हो गया उसका मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग देखा। इसको पेशेंट में कैसे देखें, अब इसका सबसे पहले एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट था, है ना, एक समझो 30 या 35 साल के नज़दीक पास एक पेशेंट होगा। वो एक लड़का था और वो मेरे सामने आया, बैठा और मुझे बोलता है कि बोले बहुत तकलीफ है, बोले मैडम मुझे ये दुखता है, वो दुखता है, ये है, खांसी है, गला दुख रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है, बहुत परेशान हूँ, बोले मैं। बोला ठीक है। बोले आप ना मेरा ना ये पेट ठीक कर दीजिए, बोले सिर्फ। मैंने बोला क्यों? बोले हर में मुझे जितनी भी तकलीफ है, बोले वो सब सब की जड़, बोले ये मेरा पेट है, बोले। मैंने बोला कैसे? बोले ये जब ये जो मेरा पेट है ना, बोले उसे बहुत गैस बनती है, बोले बहुत गैस, जैसे बहुत गैस बनती है, जैसे ही गैस बनती है वो धीरे 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 ऊपर चढ़ने लग जाती है, फिर मेरी एसिडिटी बढ़ती है, फिर मेरे छाती में दर्द होने लगता है, फिर धीरे 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 मेरा सर दर्द होता है, फिर मुझे और पूरा बदन दर्द होने लग जाता है, फिर मुझे कुछ काम सुधरता नहीं, बोले, है ना। तो ये क्या हुआ ना कि एक व्यक्ति है, उसने मेरे सामने क्या प्रेजेंट किया, सोचेंगे तो देखो क्या प्रेजेंट किया उसने, कि वो क्या बोला ना कि उसके पेट में गैस होता है, गैस की वजह से धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है, उसके वजह से एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी की वजह से उसके छाती में दर्द होता है, फिर वो दर्द ऊपर सर तक के जाता है, फिर सर से पूरे बदन तक के जाता है ना, फिर उसका बदन दर्द होता है। ये क्या बोला है ना उसने, ये पूरी पूरी मेरे सामने ना एक थियोरी रखी है उसने। उसे ऐसा लगता है कि ये पेट की गैस की वजह से उसको पूरे शरीर में जो भी तकलीफ है उसको वो हो रही है ना। तो ये क्या हुआ ना, यहाँ मैंने उसका रूब्रिक पकड़ा था थियोराइजिंग, है ना। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक पेशेंट था, उसने मुझे ऐसा वर्जन दिया, क्या बोल रहा था ना वो, कि बोले जब जब बोले आसमान में बादल आते हैं, बोले हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैम जब जब आसमान में बादल आते हैं और आपने वातावरण में की जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है ना, बोले कि पूरे बदन में गर्मी बढ़ जाती है, बोले उस वजह से, जैसे ही गर्मी बढ़ी तो मेरे पेट जलने लग जाता है, बोले जैसे ही पेट जलता है, बोले तो पेट में सिक्रीशन एसिड के जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो बढ़ने की वजह से क्या होता है ना कि मेरा जो मैंने जो खाना खाया हुआ है वो खाना ना जल्दी पच जाता है, वो जल्दी पचने की वजह से ना मुझे लूज मोशन होने लग जाते हैं, बोले, है ना। क्या किया ना उसने, उसने ये जो आसपास का जो क्लाइमेट है, ये जो ह्यूमिडिटी है क्लाइमेट में की, वो उससे लेके तो उसको लूज मोशन कैसे हो रहे हैं ना, ये सब चीज़ें मेरे सामने प्रेजेंट की। क्या किया ना उसने, उसका एक थियोरी बनाई। और थियोरी में है ना हमेशा एक बात ध्यान रखना कि पेशेंट हमेशा एक सेंटेंस ज़रूर बोलेगा, क्या मुझे ऐसा लगता है ना, ये सेंटेंस तो पक्का आपको मिलेगा तब ये रूब्रिक अप्लाई होगा, है ना। तो ये हो गया थियोराइजिंग। इस केस में भी मैंने थियोराइजिंग पकड़ा, उसको लैकेसिस दिया था, बहुत अच्छे रिजल्ट आए,
3 days में उसका पूरे जो प्रॉब्लम्स थे, उसका IBD का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो पूरा सॉल्व हो गया, है ना। एक और पेशेंट, एक और एग्जांपल देती हूँ कि एक मेरे पास पेशेंट आया था कि वो मुझे बोला, बोले मुझे एसिडिटी का बहुत तकलीफ है। मैंने बोला ठीक है, कब से है? तो वो बोलता, बोले पिछले 1-1.5 महीने से होगी। ठीक है, तो इससे आपको टेंशन क्या? टेंशन नहीं, बोले मैडम ये आपको पता है क्या, ये एसिडिटी मुझे क्यों है? मैंने बोला क्यों? तो वो बोलता है कि देखो, सुबह खाली पेट जब होता है ना, तब मैंने शक्कर का जब चाय पी ना, बोले उस शक्कर की चाय से ना, बोले पेट में के जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो बढ़ जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है ना कि वो जो चाय होती है जिसमें शक्कर पड़ी हुई होती है वो गर्म करती है, बोले वो गर्म हुई ना, बोले वो गर्म पड़ी ना कि बोले पेट में ना बहुत ऐसे मरोड़े आते हैं, बोले मरोड़े आते हैं और मेरा पेट दुखता है और फिर बहुत बहुत एसिडिटी बढ़ जाती है, और एसिडिटी बढ़ी कि फिर मुझे मुंह में खट्टा पानी आने लग जाता है ना। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। और तो वो क्या बोले ना, बोले मैडम, बोले वो जो गुड़ होता है ना, गुड़ की जब चाय पी ना मैंने खाली पेट सुबह, उसे कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ ना ये शक्कर वाली चाय से होती है। तो क्या है ना, यहाँ इसको ऐसा लगता है कि वो शक्कर की चाय से मुझे तकलीफ है, गुड़ की चाय पीने से कुछ तकलीफ नहीं। तो यहाँ पे भी पर्सन क्या कर रहा था ना, मुझे एक कंक्लूजन दे रहा था, उसका एक प्रेजेंट कर रहा था मेरे सामने कि मुझे ये सिस्टम की वजह से, वो सिस्टम की वजह से ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है। तो थियोराइजिंग में पेशेंट कभी भी ना एक सिस्टम, मुझे अपने जो बॉडी की सिस्टम रहती है ना, उसको लेके आपको कुछ भी कन्वर्सेशन करेगा ना, तो वो थियोराइजिंग पकड़ना है ना। होप गाइस, मुझे लगता है आप लोगों को थियोराइजिंग समझ गया होगा। आप लोगों को कुछ भी इसमें दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी क्यूरीज मेरे प्रति से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।